सच्चा सौदा के मुख्यालय के बाहर सेन तैनात कर दी गई है और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि कुछ ही देर में फ्लैग मार्च हो सकता है। डेरे के बाहर रोडवेज की बसें भी तैनात कर दी गई हैं, यानी कि डेरे से जो समर्थक खुद बाहर जाना चाहेंगे उन्हें इन्हीं बसों में, इन्हीं रोडवेज बसों में बिठाकर सिरसा के बाहर पहुंचाया जाएगा। ये फ्लैग मार्च की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये सेना मौजूद है डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के बाहर। वहीं की ये तस्वीरें फ्लैग मार्च के दौरान की, और समर्थकों को ये कहा जा रहा है कि जो बाहर जाना चाहते हैं, रोडवेज की बसें भी वहां पर मौजूद हैं, वो उन रोडवेज की बसों में बैठें और उन्हें सिरसा के बाहर सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। ये तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर आपके सामने है, डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय की बाहर की तस्वीरें, सेना का फ्लैग मार्च होता हुआ और सेना रोडवेज की बसों के साथ बाहर तैयार। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव दे रहे हैं। ब्रजेश, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले जो संभावना थी कि पहले शहर को नियंत्रित करने के बाद सेना का फोकस पूरी तरीके से डेरा में होगा और सेना ने अब अपने आप को डेरा में कंसंट्रेट कर लिया है। डेरा के बाहर की सड़क पर जो 6 किलोमीटर की सिरसा से डेरा के बीच की जो 6 किलोमीटर की सड़क है, इस पूरी सड़क पे सेना लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुराने डेरे में सेना दाखिल भी हुई है और वहां से समर्थकों को बाहर निकाला गया है और अभी 12:30 बजे सेना के अधिकारी और जिला प्रशासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जिसके जरिए जो डेरा प्रबंधन है उसको लगातार जो है इस बात को पहले भी उनसे उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और शायद इस बात पर सहमति बने और ये भी संभावना कि शायद डेरा का कोई जो मैनेजमेंट के अधिकारी भी शायद वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वो अपील करें कि जो है समर्थक बाहर निकले, क्योंकि साफ तौर पर सेना का कहना है कि हम सेफ पैसेज दे रहे हैं लोगों को अभी निकलने के लिए और उसके लिए बाकायदा बसों का बेड़ा तैयार रखा गया है। जो डेरा रोड पर बसें पहुंच चुकी है कि जो लोग आराम से जाना चाहते हैं अपने घरों की तरफ, उनके लिए रास्ते खोले गए हैं और इन बसों के जरिए वो बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद सेना ऑपरेशन शुरू करेगी अंदर डेरे के जाने के, क्योंकि जो मुख्य डेरा है, मैं आपको बता दूं कि उस मुख्य डेरे में अभी भी बड़ी तादाद समर्थकों की डेरे के अंदर मौजूद है और उन्हें बाहर निकालना आर्मी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसी के तहत पहले अनाउंस किए जा रहे हैं कि जो सेक्टर से बाहर जाए उनके लिए बसों के बाहर भेजने की व्यवस्था है और अगर जब लोग नहीं निकलेंगे तो सेना अंदर दाखिल होगी और उसके बाद जबरन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब कोशिश शुरू हो गई है कि कैसे भी करके अगले फैसले आने से पहले डेरे से समर्थकों को पूरी तरीके से बाहर किया जाए। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अपने आप में चुनौती भी होगी, शांति भी बनाए रखनी है। कल की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यालय के अंदर बड़ी संख्या में आप लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रबंधन जो है डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय का, वो इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? क्या वहां से कोई जानकारी मिल पाई है समर्थकों को? क्या उनकी तरफ से अपील की गई है कि बाहर जो रोडवेज की बसें हैं, सेना बाहर है, आप जा सकते हैं बाहर? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद कई घंटों तक डेरे के अंदर मौजूद था, आश्रम के अंदर मौजूद था और जो आश्रम के अंदर का नजारा था वो वाकई में कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है और सेना यही वजह, क्योंकि बड़ी तादाद समर्थकों की अभी भी अंदर है और बाहर भले ही डेरा प्रबंधन कुछ भी कहे लेकिन अभी जो समर्थक है उनको ऐसा कोई भी आर्डर नहीं किया गया कि आप यहाँ से बाहर जाइए। अगर अपील करते हैं डेरा प्रबंधन और उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी राहत होगी, क्योंकि अगर समर्थकों को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके बाद हालात जो है समान होंगे, लेकिन अगर सेना जबरन अंदर दाखिल होती है तो निश्चित रूप से एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो सकते हैं और कानून व्यवस्था के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास ब्रजेश, ये तस्वीरें हमें जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर आपके सामने है और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिश शांति बहाली करेगी, यानी कि सेना बाहर तैनात है, फ्लैग मार्च और साथ ही सेना की तैनाती, बाहर रोडवेज की बसें भी हैं और इसके साथ ही रिजर्व एक्शन फोर्स भी बाहर है। ये तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं जिसमें कोशिश ये की जा रही है। ब्रजेश लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि वो खुद अंदर मुख्यालय के थे
और वहां पर उन्होंने देखा कि संख्या बहुत ज्यादा है समर्थकों की। कोशिश ऐसे में ये की जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से अपील की जाए इन समर्थकों से कि वो सिरसा से बाहर जाना चाहते हैं, बॉर्डर से बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर रोडवेज की बसें तैयार हैं, वो चुपचाप से आए, उन बसों में बैठे, सुरक्षित उन्हें बाहर तक छोड़ दिया जाएगा। ये तैयारी हो रही है क्योंकि कल से लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के बाद, 31 मौतों के बाद, अब ये बड़ा चैलेंज हो चुका है कि शांति बनी रहे। हरियाणा, पंजाब, जगह जगह हिंसक घटनाएं सामने आई और ऐसे में सेना पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुकी है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ अंदर मौजूद है समर्थकों की, और उन्हें बाहर निकालना और सुरक्षित बाहर निकालना, इस प्रेफरेंस के साथ ये कोशिश हो रही है कि इन्हें बाहर बॉर्डर के निकाला जाए और इसके लिए सेना तैयार है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी दे रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? हमारे विचार पहुंचे हैं सरकार के पास, चाहे आपके थ्रू पहुंचे, मुझे ना दिखाइए, मुझे शौक नहीं है। जितेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जितेंद्र के पास हम लौटेंगे। ब्रिजेश भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सेना बाहर है और ये मुख्यालय के बाहर सेना की तैनाती, डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बैरिकेटिंग्स भी लगी हुई है, सेना तैयार है। मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ वापस से पैच हो चुके हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? और देखिए, इस समय अगर पंचकुला के हालात की अगर मैं बात करूं तो पंचकुला में जो आर्मी है उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो जो पॉइंट्स हैं वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है सारी, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है, आर्मी भी लगातार गश्त कर रही है। इस बीच आपको एक खबर और दे दूँ कि हरियाणा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से इसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी कि कल जो हालात पैदा हुए थे उसके बाद सरकार क्या एक्शन ले रही है और क्या एक्शन लिया गया था और उसके बाद किस तरह से स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और आगे क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हो सकता है कि कोर्ट कोई डायरेक्शन पास करे। क्योंकि कल जिस तरह के हालात थे वो काफ़ी हैवानियत भरे यहाँ पर हालात थे, क्योंकि जिस तरह से डेरा समर्थकों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की थी उसके बाद यहाँ पर दहशत का माहौल यहाँ कायम हो गया था। हालांकि ये अच्छी बात रही कि कुछ ही घंटों के अंदर सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया गया, टाइमली एक्शन लिया गया और जो लोग थे यहाँ पर उनको निकाल दिया गया। अब इस समय पंचकुला के अंदर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार मार्चेस कर रही है और उसके बाद जहां जहां कहीं भी लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है वहां पर पहले से ही एक्शन ले रही है।